Yeah, Azad Jawad Show, cameraman Martin Gassat, episode Pet Salon. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला और मेरी वीडियोस में एक सीरीज जो मैं बना रहा हूं इसमें मैं बार बार आपके साथ बिजनेस के आइडियाज शेयर करूंगा। आज का बिजनेस है जिसे हम नाई बोलते हैं, बाबर बोलते हैं, हेयर सैलून वाला बोलते हैं, मेल साइड पे कह रहा हूं, लेडी साइड पे नहीं। अमूमन जिस इलाके से मैं आता हूँ वहां पे ना बात बनी है कि जी लोग ना इसको कोई नीच चीज समझते हैं कि जी अब तुम नाई का काम करोगे। अब हम इतने गिर चुके हैं, ये नहीं पता कि घर में फाके चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उधार लेके शादियां की जा रही हैं, बट नहीं हमने नाई नहीं बनना, यानी बाबर नहीं बनना। क्या आपको पता है जो देहात वाला भी नाई होता है ना तो उसकी थोड़ी सी भी बिजनेस चल पड़ती है एंड ही इज मेकिंग अबाउट 50 to 60,000 रुपीस बुरे हाल में। आप खुद अंदाजा ले लीजिए, 30 दिन वो खुली रहती है उसकी दुकान। अगर उसकी दुकान में कम से कम फर्ज कीजिए 20-30 बंदे आ जाते हैं, फर्ज कीजिए मसलन हम कहते हैं जी 20 बंदे आ जाते हैं दिन के, और वो उसको 100 रुपया दे रहे हैं फी कट। देहातू में, अब मुझे शहर की नहीं पता, देहातू में मैंने अभी पूछा था कि जी कट कितने के होते हैं, बोलते हैं जी 70 से 120 रुपए हम देते हैं एक कट के। सो हम कहते हैं जी 100 रुपया। अगर वो 100 रुपया भी ले रहा है ना तो आप हिसाब कर लीजिए 20 times 100 is 2,000 रुपीस एक दिन के एंड 30 times कीजिए तो 60,000 वो ले रहा है। हमारे देहातों में दुकानें 500 रुपए की भी मिलती हैं। आई डोंट नो हर इलाके की अपनी होती है प्राइस। अगर आप इसी सैलून को यानी बार्बर को आप किसी बड़े शहर में डाल देते हैं, थोड़ी उसमें वो चाय डाल दें, थोड़ी उसमें अखबार डाल दें, वो एक्सक्लूसिविटी कर लें, जी मेरा हॉलीवुड सैलून है या मेरा यूके वाला सैलून है या मेरा जी सिर्फ जिनकी शादी है उनका वाला सैलून एक्सेट्रा, और बेशक आप दाढ़ियां और बाल ही कर रहे हैं एंड यू आर चार्जिंग अबाउट थोड़ा 300-400 रुपए चार्ज कर रहे हैं एंड लोगों को शौक होता है। अमूमन मैंने क्या देखा है कि जब आप कोई किसी चीज की कीमत बढ़ा देते हैं ना लोग भागे दौड़े आते हैं, नहीं इसमें कोई खास चीज है इसीलिए इन्होंने कीमत बढ़ाई हुई है। सो यू चार्ज 300-400-500 रुपीज, बंदे आपके उतने आएंगे, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए 2-3-4 लाख रुपीज जो आप कमा सकते हैं पर मंथ एंड आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है। सो ये इतना बुरा काम नहीं है। खासतौर पे जो डिग्रीज वाले होते हैं हमारे वहां पे ये भी होता है जिन्हें मेरे पास डिग्री है अब मैं नाई का काम करूंगा, फिर से सोच लीजिए, गिव इट अनदर थॉट। यह नाई की दुकान, इसमें मेरे ख्याल से कोई खर्चा नहीं है। शीशा आपको एक चाहिए, एक आध बेंच चाहिए, 2-4 कंघी वगैरह मशीनें चाहिए, आराम से हर चीज बाजार से मिल जाती है। यानी कि देर आर कस्टम, आप सैलून खोलने अगर आपकी हिम्मत है, लाख आद है आपके पास डालने के लिए, देन आप डेकोरेट कर सकते हैं शॉप को। लेकिन अगर आपके पास नहीं है यू कैन स्टार्ट विद मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी। एंड हमारे पास पढ़े लिखे नाई क्यों नहीं है, बार्बर ऐसी चीज है। ये सबसे खतरनाक है बंदा, दो किस्म के खतरनाक बंदे होते हैं सोसाइटी में, एक मेरे जैसा चाय वाला और एक अपना नाई। ये एक अंग्रेजी की कहावत है, जो बंदा भी जाता है ना उसको पता होता है कि जी इसके सब कुछ वो, क्योंकि वो वहां पे आराम से बैठे होते उसको सबको बता दे जी आज मुझे क्या परेशानी है एक्सेट्रा। एंड नाई पीपल डोंट फॉरगेट। एनीवे अगर आपको सोसाइटी में सबसे पावरफुल बंदा बनना है देन गो डू इट। अगर आप किसी से सागिर्दगी में कर सकते हैं दैट्स गुड, मुफ्त का है। अगर आप मुझे नहीं पता पाकिस्तान में होते हैं यानी ब्यूटी सैलॉन्स, हेयर बार्बर सैलॉन्स, बट देयर शुड बी, कुछ ना कुछ होने चाहिए एंड समबडी हैज टू स्टार्ट देम। यानी कोई रिटायर्ड बार्बर हैं वो सिखा सकते हैं चंद बंदों को एंड देन यू कैन गो लर्न। अच्छा ये स्किल हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप दुबई में देखते हैं ना तो दुबई में मैंने एक आध पाकिस्तानी बंदों से बात की थी कि जी भाईजान आप कितनी सैलरी लेते हैं एंड ट्रस्ट मी वो 10,000 दिरहम के ऊपर ले रहे थे, यानी बचत उनकी हो रही थी, दुकान उनकी नहीं थी, वो सिर्फ कमीशन पे बैठे हुए थे, बट 10,000 दिरहम से ज्यादा वो महीने का कमा रहे थे। दुबई दूर है, घर में आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। दैट्स इट, बस ख्याल रखिएगा, दैट्स माय आइडिया। अस्सलाम वालेकुम।